नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आगामी 2019 चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी बिगुल बजाने में लगी हुई है। चुनाव में मतदाताओं को खींचने के साथ ही अब पार्टी अपने संगठनों को तैयार करने में भी जुट गई है। बांदा के कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ, जिसमें जिला व विधानसभा अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी की मतगणना हुई, जिसमें युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष में सद्दाम खान विजयी रहे। सितंबर से चल रही यूथ कांग्रेस की चुनाव की प्रक्रिया, यूथ कांग्रेस की जो लगभग सन 2011 से राहुल गांधी ने इसको आरंभ किया था, जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव था, जो आज जिला कांग्रेस पर जिला कांग्रेस की इकाई का गठन की घोषणा किया। हमारे चुनाव आयोग अधिकारी सुधीर शर्मा जी यहाँ पे जिला कांग्रेस युवा कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित हुआ। कैसा लग रहा है आपको? अब सब युवाओं साथियों के सहयोग से उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सब सहयोगों से आज मैं जिला अध्यक्ष बन पाया। आप आगे बढ़ करके कैसे काम करेंगे? अब आगे मैं पार्टी के लिए हर बलिदान देने के, उनके हर उद्देश्य को हर युवाओं साथियों के बीच में पहुंचाने का कार्य करूंगा, हर तरह का सहयोग प्रदान करूंगा पार्टी के लिए। मैं जो है पार्टी के लिए जो आएगा आगीत क्या है यूथ कांग्रेस से, तो मुझे जो आएगा युवा लोगों ने चुना, तो मैं निर्विरोध था, निर्विरोध में मैं जीता हूँ, तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं निर्विरोध भी था और जो आएगा मुझे युवा ने चुना है, तो मैं पार्टी के लिए युवा को जोड़ने का काम करूंगा। इसी खुशी के साथ काम करेंगे या खुशी आपकी बस चुनाव तक? मेरी खुशी शुरू से है कि मैं पद में रहूं, चैनल रहूं, मैं पार्टी के लिए राहुल जी के 2019 में हाथ मजबूत करूंगा। बांदा से हमारे संवाददाता अरबाज खान की खास रिपोर्ट।